आउट कर ली है राइस, ये देखिए हमारी कुछ लोग किस तरह से हैं, बहुत ही प्यारे बने और टेस्टी भी बहुत लग रहे हैं। और इधर हमारी छोटी प्रिंसो जो है वो पकौड़े बना रही है, ये मेरी भांजी आई हुई है गेस्ट है, वो पकौड़े बना रही है, ये वाले उसमें डाले। उधर हमारा डॉगी भी भूख से जो है वो भी आवाजें निकाल रहे हैं, उधर है इधर है हमारा सीन और ये साथ में चटनियां भी साथ के आ गई और उधर हमारा रूट का पड़ा हुआ है। जी गाइस, तो ये लोग हम लोग किए हुए थे नहीं तुम पता कि कौन कौन सी ये बन रहे हमारे पकौड़े अफ्तारी में, बेसन कारी में भुला हुआ है, पकौड़े फ्राई हो रही है, कितने ज़्यादा हाथ है कितने दिनों से कढ़ाई साफ है, तो है साफ ही लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ऐसी जल रही है, जिस दिन निकाल के साफ करवाएंगे। और ये राइस का काम भी गया हुआ है, राइस बनाए हैं, चिकन पुलाव लगा दिया है, दम आ चुका है चावल। ये देखें राइस हमारे ऊपर, अभी मैं इनको खोल रही हूँ, मैंने कहा खोल दीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने दम भी कर लगा के ना इसको हटा दिया था और ऊपर मैंने ढक्कन छोटी थी, चावल थोड़े भी तैयार हो गए साथ में, अभी जो है वो और जो है राइस भी, मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र है सही पर किया, मैंने चावलों को दम लगा दिया, चावल थोड़े सगर थे तो मैंने जिस तरह करके इनको दम लगा दिए, ऊपर ये पोना भी जो है गीला करके रख दिया, अभी थोड़ी सी चीम आती है फिर मैं थोड़ा स्लो कर दूँ, ये इसमें मैं जो हूँ वो ये डाल के ज़ीरा और जो कुछ धनिया उसको पीस रही हूँ, क्योंकि हमारे पकौड़ों के सामान के लिए ये मसाला काफ़ी नहीं है, इसलिए ये अभी हमारा मसाला फुल तैयार हो चुका है, तो मेरे तीन गिलास पानी के अंदर तीन पाँच गिलास तीन गिलास राइस हैं तो पाँच गिलास इसमें ना पानी जाना चाहिए, तो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ अंदाजे से, मुझे तो अंदाज़ा है कि कितना पानी डालना है, अगर आप लोगों को नहीं अंदाज़ा तो आप लोग नाप के डाल लें, तो अभी मैं इसके ऊपर देती हूँ थोड़ा सा ढक्कन, इसको कवर करती हूँ, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें राइस, जैसे इनको दो चार बॉयल आ जाएंगे, बोटियाँ जो हैं वो थोड़ी बड़ी हैं और आलू भी बड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा गलने के बाद मैं इनमें ना वो डालूँ राइस, राइस मैंने अभी चिकन डाल दिया इसमें, चिकन अच्छा सा कलर चेंज होगा तो ये साथ में डालूँगी टमाटर, और टमाटरों के बाद जो मसाले डाल के तो मैं इसको भून लूँगी, लहसुन मैंने डाल दिया है इसमें, तो ये अदरक और लहसुन जो है ये कुटा हुआ है ये भी डालना है इसमें, ये भी डाल दूँगी, साथ में थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालूँगी और चावल हमारे से रेडी होने के करीब हो जाएंगे, तो मैंने इसमें पहले चिकन डाल के भून लिया था, चिकन के साथ ही मैंने सारे मसाले डाल लिए थे, मसाले अभी ठीक से भुने नहीं है तो मैंने आलू डाल लिए, क्योंकि आज है अफ्तारी हमारे घर में बच्चों की, तो वो जो है बहुत जल्दी है और टाइम भी बहुत कम है, हम लोग ऑफिस पे गए हुए थे और वहाँ से वापस आए हैं, अभी जो है अभी टाइम की कमी की वजह से मुकम्मल रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो जैसे जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। राइस आज हम लोग बना रहे हैं राइस, ये मैंने टमाटर रख लिए हैं साथ, और ये दूध बॉयल किया है बच्चों के लिए,
और ये वाले आलू जो है ये चावलों के लिए काटने हैं, और ये वाले पकौड़ों के लिए चिकन डालना है चावलों में, और ये मैंने राइस भिगो के रख लेंगे हैं। अभी साथ साथ इनको वॉश कर रही हूँ क्योंकि काम कम है ना टाइम, तो इसलिए जो है वो सारे काम साथ साथ कर रहे हैं। तो साथ साथ हम लोग अपनी रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ चावलों की। आज बहुत मज़े के चावल बनने वाले हैं। ये देखिए हमारे कोको का बच्चा, कोको ने हमारे बच्चे दे दिए, 6 बच्चे दिए थे, हम ये वाले ले आए हैं। और ये ब्रश लेके आई है अभी, ये देखिए अभी हम इसको दूध पिला रहे हैं फीडर में। अभी इसकी आंखें नहीं खुली, इसकी नाखून देखें गाइस। इसका नाम हमने ओरियो रखा है और बहुत ही प्यारा है, क्योंकि ये इसके ना ये पूंछ और ये थोड़े से नाखून इसके हैं वाइट, तो इसीलिए हमने इसका ओरियो रखा है नाम, क्योंकि ये ब्लैक और वाइट है। नहीं